पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए, जो लड़े जो मरे वो शहीद हो गए, जो डरे जो झुके वो वजीर हो गए। सन 1931, हिंदुस्तान अपनी आजादी से अभी 26 बरस दूर, पर फिलहाल अंग्रेजों की गुलामी सहने पर मजबूर है। जहां एक तरफ हिंदुस्तानी रियासतों के राजा महाराजा बर्तानिया सरकार के सामने घुटने टेक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चंदथला रियासत के राजा इंद्रवीर सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत की शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया। नो, नॉट पॉसिबल। राजा साहब, आपका समझने की नो मींस नो, यह करार नहीं हो सकता। बट राजा साहब, अकॉर्डिंग टू द न्यू ब्रिटिश पॉलिसी, इसमें हमारा क्या फायदा होगा? हैं? कपड़े हमने राजा के पहने हुए हैं और नौकर ब्रिटिश सरकार के। ये क्या 25% रेवेन्यू टैक्स डाल ही देते, और अगर ज्यादा जोर डाला तो समझो बगावत है। इतने से सैनिकों के साथ ठीक है, हा? महाराजा इंद्रवीर सिंह केवल 25 शादियां कर सकते हैं। डैनियल्स, हम तुम्हें अपना दोस्त समझते थे, तेरे अंग्रेज निकले। सर, we can make it 30 wives. All right. 40. Up wives, buddy, so the revenue tax will increase by 10%. Take it. ऑफिसर मार्क डैनियल्स, ये ऐसे ही नहीं राजा महाराजाओं से दोस्ती निभाते, इसके पीछे इनका एक खास मकसद है, और वो है हिंदुस्तान में विदेशी शराब की एक फैक्ट्री लगाना। लेकिन उसी समय गांधी जी आजादी की लहर के चलते असहयोग आंदोलन चला रहे थे। उनका लोगों को कहना था कि विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ो और नौजवानों विदेशी नौकरी के पीछे मत दो। धरमचंद पास, खुशवंत सिंह पास, धरमचंद पास। एक और मौका मिल सकता जी, चौथा। यू आर रिजेक्टेड। खिला खिला बेबे, तू खिला खिला के इसको हर आराम बना दे। काम दाम कुछ करना नहीं, सारा दिन जानवरों की तरह चलते रहना बस। कोई तू एक काम कर, लस्सी पी, सो जा और सपने देख। अरे तू सिर्फ सपने में ही पुलिस बन सकता है। काशी भागा तो गया नहीं है इससे, कम से कम रोटी तो खाने दे इसे, अगली बार भर्ती हो जाएगा। है माँ का सिर भर्ती होगा एक पुलिस में। अभी भी लोग चला के दिखा दे तुझे। और पैसा एक कमाता नहीं है। और तू अपना काम कर, चुप कर। ओए कैसे चुप करूं, तीसरी बार रह गया तेरा लाडला, तजुर्बा तो मिल गया ना जी। तजुर्बे से पेट नहीं भरता, रोटी से भरता है। चाहे 6 रोटियां बांधना मेरे रास्ते के लिए। कांशीराम जी, आपका बेटा बिगड़ा हुआ है, मेरी बात सुनो, उसकी शादी कर दो, खुद ही समझ जाएगा। अरे लाजी, कौन इस वेले से अपनी लड़की की शादी करेगा? अच्छा तू करेगा इस वेले से अपनी पीतों की शादी? ना भाई ना, हाय मैंने अपनी प्रीतों की शादी करनी है, किसी अंधे कुएं में तकाने जाना है मैंने उसे। बातें कर, मंगिया जल्दी आ जा, तेरी जान निकल रही है। तेरी जान तो मैं निकालता हूँ, आ जा चाचा। इधर खड़े हो, इधर हो जाओ, थोड़े टेढ़े हो जाओ। हाँ,
मंगिया मर तो तुले गुस्से में पर मुझे आराम आ गया। आराम आ गया ना? आराम आ गया। ओ ये दे तू रखो, रख ले रख ले। मंगे कितनी बार कहे चुग निकालने के पैसे नहीं लेते, शफा चली जाती है, वापस कर पैसे, कर कर। बहन जी ने बहुत अच्छी बात की है, सारा दिन कहते हैं कमाता नहीं कमाता नहीं, कोई पैसे देता तो लेने भी नहीं देते, मुझे क्या फायदा हुआ उल्टा पैदा होने का। इरे अंदर आ जा। ना दादी अब तो बहू को लेके आऊंगा है? और तुम सब कब पहुंचोगे? सारे के सारे को आना है ब्याह में? अरे सारों को तो पता नहीं, मैं जरूर आऊंगी। ओ भाई आज आप रहन दे, अपनी शादी बड़ी मुश्किल से गए थे, मैं जा रहा। अच्छा चाई। अच्छा अच्छा ध्यान से। इरे हाँ दादी, अपना झूठा मंगा मेरे छुआरे को खिला देना। हाय हाय, वे अपना झूठा छुआरा मेरे मंगे को खिला देना, उसकी भी शादी हो जाए। वो तो फिकर ना कर दादी, छुआरा किस्मत बनाम सब खिला देना झूठा कर करके। अरे भाई चल चल चल, मैं चलूंगा। हाँ ले चला, चल जा रहा हूँ मैं। ध्यान से। और आ जाइए सारे, नहीं तो मैं घोड़ी नहीं चलना। हाँ चल बेटे। सलाम मेरी दादी। ये ले पानी का। गुड़ वाला दूध जी, गरम गरम। गिरे ये ले दूध, पीले पीले पीले। रखी काम आने मासी थक गई तू? बढ़िया लगेगी इस पर हमारी बंटी की जोड़ी। अभी करा तो पड़े तो जांच पड़ताल तो कर लेंगे। और दूध वाला मुंडे। हाँ जी ऐसा जी, गरम गरम दूध पियो जी, बड़ा गरम है। अच्छा ना कर दे, पकड़ो जी, मैं ठंडा कर देता हूँ। ये क्या है, तेरा नाम क्या है काके? मेरा जी मंगत राम, प्यार से मंगा मंगा कहते हैं। अच्छा मंगत राम, शुक्र है नंगत राम नहीं है, वरना समझे तुझे प्यार से नंगा नंगा कहना था। नंगा उड़ा मजाक क्या उड़ना है जी। खैर छोड़ो। अच्छा ये बता गांव कौन सा अपना? मेरा जी बहरामपुर। शादी तो होगी? होगी नहीं, शादी नहीं हुई जी अभी मेरी। ये बता जमीने वगैरह कुछ है? हमारी हिसाब लगा लो 2 बीघे से 2 कनाल कम है। तो सीधे बोल ना, 1.5 बीघा हुआ। हाँ जी 1.5 बीघा। अच्छा नौकरी क्या करी? मैं जी पुलिस में पुलिस भर्ती होने गया था जी, दौड़ में रह गया। वेला ही हो गया ना फिर जी? ये लो जी वो चादर ठंडा कर दिया तूने, वो उन्हें बुला ये ले। ठीक वेला कुकर वो छड़ दाया, दूसरी बात करो। वो दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और भीख चुप चुप क्या बोला जाता है उस दिन? और दे। अपनी शादी में इसने 1.5-2 किलो लड्डू खा लिए। पर तेरी फिर क्या था? फिर उससे ज्यादा इसे खेतों में बैठना पड़ा। और पजामा गंदा किया, सो अलग है। और लो जी चाचा जी लड्डू खाओ जी, पजामे की चिंता नहीं करनी, पजामे पड़े हमारे पास। कौन है ये? कौन है? दोस्त जी बंगा बहरामपुर से। फालतू का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है।
सोनी है जी आपकी, पढ़े लिखे लगते हो। दो जमातें पढ़ी हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, फिर तो जी आपकी शादी भी कम से कम चार जमात पढ़े लिखे लड़के के साथ तो होनी ही चाहिए। लाली ये रजाई नई बनवाई, घूमना कर देना, वैसे मोनी की पक्की निशानी बना दी। ठीक है ठीक है। बड़ी सोनी मोरनी है जी, गुम क्यों होने देंगे, पूरा ख्याल रखेंगे जी। अच्छा जी, मेहरबानी। अच्छा जी, मेहरबानी। खुशी आप यहाँ कैसे? वे कैसे का क्या मतलब, घर मेरा है, वो मेरी बड़ी लड़की, वो छोटी जनानी मेरी, ये देख बकरी ये भी मेरी, वो तू यहाँ क्या कर रहा है? हम रजाइया लेने आए थे जी। बड़ा मेहनती लड़का है, कमाल का लड़का है। कमाल का नहीं जी, काशीराम का जी। मंगे क्या देख रहा है? कुछ नहीं, चांद देख रहा था। चांद तो उधर है। सोई नहीं अभी तक? आज फिर अभी कहानी सुनाए बगैर ही सो गया। मुझे कहानी सुनने में ना नींद नहीं आती, तू सुनाएगा मुझे कहानी? मैं सुनाऊंगा तो सो जाएगी। एक ना राजकुमार किसी दूसरे गांव में जाता है। कौन सा गांव? नकुगुड़ा। तुझे कहानी सुननी है? चुपचाप सुन, ये तो सो जा। वहां पे ना राजकुमार को एक राजकुमारी पसंद आ जाती है। कौन? सरगी। तू ना ज्यादा दादी ना बन, मैंने नहीं सुनानी तेरे को कहानी। कहानी आगे तुझे खुद नहीं आती और मुझे सुना रहा है। ज्यादा ना छेड़ मोरनी को, नाचना शुरू कर देगी। चलाको,
माफ करा से कैसी लगी हमारी जीत? अब जीते नहीं राजा साहब, वो हारा है। लेकिन आने वाले टाइम में भी वो हारेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। राजा साहब, कब तक आप अपने बर्थडे और हम अपने सैलरी पे सर्वाइव करेंगे? Now is the time, Raja-san. Now is the time to start something for ourselves. Okay. I have a business proposal. हम एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, यहाँ आपके साथ मिलकर, in partnership. राजा-san, दूध. शिलाजी? हम एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं गंजीगार के महाराज विक्रमजीत के साथ मिलकर। Yes, of course. After all, he's your best friend. Huh? Raja-san, of course you were my first choice. Lekin aapka dhyan to Dood, Dasi, Shilajit, Vikramjit nahi rehta hai. Hai na? Hai na, Raja-san? Good joke, good joke. Agar wo sab chhodiye, ye bataiye ki isse hamara kya fayda hoga? Income. Aapka aur hamara income hamesha hi rahega. Lifelong. और आपका पहलवान आपसे हमेशा हाथ भी रहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन फैक्ट्री लगेगी किस चीज की? शराब की। तो वो आगे जी ले काम करो। लाला जी आगे जी। क्या हाल है मुखिया जी? हाँ सब खैरियत? सब ठीक है लाला जी। आप कहो क्या कहता है ये आपका अखबार? भाई देखो, गांधी जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि अंग्रेजों को भगाने का इस मुल्क से बस एक ही रास्ता है, उनका और उनकी चीजों का बहिष्कार यानी असहयोग। तो लाला जी, आप लाहौर असहयोग करने गए थे? जी। देखो जी, अगर हमने गांधी जी का साथ दिया तो बहुत जल्द ये फिरंगी हमारे मुल्क से चले जाएंगे। एक बात बताओ लाला जी। जी जी। अंग्रेज चले गए तो कौन आएगा? हिंदुस्तान पर सिर्फ हिंदुस्तानियों का हक है और किसी का नहीं। ये मुल्क हमारा है, राज भी हमारा होगा, ये जमीन भी हमारी होगी, ये आसमान भी हमारा होगा। वाह लाला जी वाह, क्या बात है। मैं और मेरे खाड़े का हर पहलवान आपके साथ है। आप हुक्म करो लाला जी, अंग्रेजों का शित्र बोला कर देना है। हाँ, लेकिन शांति से। मारना
इधर भी डाल दे भाई। हाँ दे भाई। ताया माफ कर दे, गलती होगी, माफ कर दे ताया। तो डाल ना। चावल के साथ दाल खाते हैं, जलेबी नहीं। दाल भी आ जाएगी जी, जलेबी खा लो, जुबान मीठी रहती है। ले लो। आप वैसे आपको जरूरत भी नहीं है, वैसे ही बड़े मीठे हैं। कुछ बिगाड़ा है? वैसे आप ना बिल्कुल मेरे बापू पे गई हो, एकदम तीखी जी। पूरे एक बार खोल के निशानी देख लेते तो मेरी भी तसल्ली हो जाती है। हरप्पा, हमारी रजाई पे तो एक ही मोड़नी थी, यहाँ दो दो मोड़नियां हैं, किसी और की आ गई होगी। आप भी ये जी ध्यान से देखो, दूसरी मोरनी नहीं मोर है जी, मोरनी अकेली थी तो मैंने सोचा कुछ चीजें जोड़ियों में अच्छी लगती हैं जी। मैं जा रहा था अपने गांव वापस, दिल तो नहीं कर रहा, आपके गांव में दिल लग गया जी, तो मैं चलता हूँ जी। लाली को मैं कहानी सुना रहा था कि राजकुमार को राजकुमारी पसंद आ जाती है, तो
मेरे से पूछ रही थी कि आगे की कहानी। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता था। तो कहानी राजकुमार ने शुरू की है तो उसे ही खत्म करनी चाहिए। मैं समझ गया जी। तो मैं चलता हूं फिर। Understand, Your Highness. Plan mera hai. Sara hard work mera. Government say permissions lena, electricity, construction, manufacturing, etc., etc. The whole headache is mine. Aapko sirf beta bataya profit lena hai. Father? Aaj hi aana tha. Shamli! Beta. Beta ji. Maa. Meet my daughter, Shamli. Parson baad aayi hai London se. Went there for studies. Mark Daniels, British officer. Charm. Pleasure. Cambridge. Oxford. Lovely. My bungalow is close by. You must come over for tennis someday. How did you know I play tennis? I saw your luggage. Very clever. Very clever. Indeed. बेटा अंदर जाकर आराम कीजिए। जी पापा जी। चलिए चलिए। Hope see you soon. Absolutely. हाँ तो कहाँ थे हम? 40, 60, not done. विदेशी मंत्रों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। फिरंगियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। फिरंगियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। चाचा, आओ। लाला जी हैं। हाँ जी। नक्कूगुड़ा से आए हैं। ठीक है। असहयोग आंदोलन के चलते हम लोग विदेशी कपड़ों को जला रहे हैं। तुम्हारे पास कुछ कपड़े लगते हो तुम भी ले आओ। मेरे पास तो एक पजामा ही है, कहो तो दे दो। नहीं नहीं, पजामा नहीं जी, हमें तो विदेशी कपड़े जलाने हैं। स्वदेशी नहीं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। फिरंगियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। विदेशी कपड़े ओके, घर के किसी सियाने आदमी को बुला लो। सियाना यूजी मैम, वो तो उस दिन ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा खेल। मैंने कहा ना, घर के किसी सियाने आदमी को बुला लो। करीम, करीम करना क्या? यही विदेशी कपड़े जलाते हैं और यही गिरफ्तारी देते हैं। क्यों भाइयों? बिल्कुल किसी को गिरफ्तारी देने में कोई समस्या तो नहीं? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तो बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। फिरंगियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार।
with mother lives. Mother can't wrap her hair. Manga, manga. Did you come with me? मैं क्यों साहब जी? Come, let's go. साहब जी मैंने कुछ साहब जी आपको कोई गलत फहमी हुई है? मैंने तो एक भी नारा नहीं लगाया जी. Whatever, come with me. But साहब जी, come, दादी. No. मैं दादी से तो मिल लो. क्या हुआ? क्या किया मेरे मंगे रे जंगल डायरा? तूने मेरे मंगे को हाथ भी लगाया ना? तो या फिर तू नहीं, या आज मैं नहीं लगा हाथ. और अब लगा हाथ में आगे दूध पिया तो लगा हाथ. शराब क्या आदि? फिर मुझे आप मेरी बादी ने सुपर तेरे दिया क्या? ये ऐसे मानेगा नहीं. तो नहीं मैं जूता दिखाती हूँ इसको. सेंटर बोल बोल क्या होगा बस मेरी बात तो सुन लो. उसको बताएंगे आप? अच्छा आप जब आए ना मैं तो ले गए मेरे बच्चे को. कुछ नहीं किया उसने. वो जा रहा बहन जी आप फिक्र ना करें. अभी तो बातचीत चलनी है. अगर कुछ निकला तो फिर फांसी पक्की. तेरे मुंह में कीड़े फांसी लगे तेरे को. मेरे पुत्र ने कुछ नहीं किया ना बहन जी. कुछ ना कुछ तो किया होगा दंगे ने. नहीं तो ये फिरंगी इतनी भी धक्केशाही नहीं करते. क्यों लाला जी? मुझे बताओ क्यों मुझे ऐसी सिटी जा रही है? साहब जी मैंने कुछ नहीं किया जी. मैंने एक भी नारा नहीं लगाया अंग्रेजों के खिलाफ. ना ही मैंने कोई विदेशी कपड़ा जलाया. मेरे को पता नहीं क्यों घसीट के ले आए. मंगा मैंने बुलाया तुझे. साहब कुछ चुप पड़ गई है. चल निकाल दे फटाफट. तो खुद आ जाते लेने. मुझे पता जिस तरीके से लेके आए मेरे पड़ जाने से चुक. साहब जी स्टैंड इधर स्टैंड. शेर बनो शेर जी. अब ऐसे. हाँ जी. Mr. Daniels, I'm concerned. You should reconsider. This could be extremely dangerous. हाँ जी बहुत निकाली जी पहले. ऐसे ऐसे निकलेगी जी. कुछ नहीं हुआ जी. ऐसे निकलती है चुक. पूछो तो सही उनसे एक बार. मुझे भी डरा दिया था. Mr. Daniels, you've had this condition for a very long time. I suggest you take him on. Yes, you're right. Come, have a seat. Better. जी क्या तुम नौकरी करोगे? नौकरी? पुलिस की नौकरी जी. पुलिस? बंदूक मिलेगी? तुम्हें बंदूक की जरूरत नहीं है. तो डंडा वगैरह? नहीं. पुलिस की नौकरी है ना जी? यस. गिव हिम द ऑर्डरलीज़ यूनिफॉर्म. श्योर. अरे सामने अल्दरी बना दिया तुझे. ये बहुत बड़ा ओहदा होता है. अच्छा मेहरबानी जी. नहीं पैसे नहीं ले सकते जी. दादी कहती है इससे शफा चली जाती है. What does shafa mean? Shafa as in God's gift. No. Take it as your advance salary. नहीं पैसे तो ले ही नहीं सकते जी. ये तुम्हारी शफा की कीमत नहीं है. ये तो तुम्हारी तनख्वाह है. तनख्वाह? हाँ. मेहरबानी जी. तो नौकरी पक्की है ना जी? Yes. पक्की. मेहरबानी जी. Hey,
तुम्हारे से? Yes. माँ से झूठ बोल कर आई हूँ, पता है कितना डर लग रहा है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? जब मन में चोर हो तो डर तो लगता ही है ना। चोर के लिए ये पुलिस जो है, तेरी बंदूक कहाँ है? वो डैनियल साहब कह रहे थे कि जैसे ही नई बंदूक के बन के आ जाएंगी ना तो एक दो मुझे भी दे देंगे। तो ये देख क्या लिखे हैं। ये क्या है? सोगी से मीठी चीज लग रही है। चलिए मीठी चीज नहीं है, ये साबुन है, इसे नहाते हैं। पर नहाते तो दही से है ना। तो ये समझ ले कि ये गोरे लोगों की मुल्तानी मिट्टी है, सारी गोरियां इसी से नहाती हैं। अच्छा, तभी गोरियां इतनी गोरी होती है। मंगे, इसे लगाते कैसे? रुक, बताता हूँ। पुराने जमाने की बातें कर रही है सरगी। खुशबू देख कितनी अच्छी आ रही है। तुम्हें द्वार की द्वारी इसी से नहाया कर। लेकिन घर वालों को खुशबू आ गई तो? चल कोई ना, तो शादी के बाद इससे नहा लेना। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कल ही हमारी शादी हो रही है। मेरी दादी ने तो तुझे देखते ही पसंद कर लिया था। जल्दी भेजता हूँ अपने घर वालों को तेरे घर, तेरा हाथ मांग में। ये ले दादी। तो जी और कितनी खासियत है बताओ मंगे की? सच्चा मोती है सच्चा मोती, झूठ फरेब से कोसों दूर, और न नशा न छल न कपट, और पुलिस की सरकारी नौकरी। चाचा चरित्र का एकदम पक्का, चाची इतना पक्का कि किसी लड़की की तरफ आप उठा के नहीं देखी आज तक। मैं कसम खा लू इस बात की। हाँ हीरे, कुछ इनकी भी तारीफे कर। मैंने पुत्र जी आपको देखा था हीरे की शादी पे जी। फिर मैंने आपकी घरवाली को देखा, तब जाके पता चला कि आपकी सगी माँ पे है। अच्छा। मुझे तो आपका ब्रह्मपुरिया बहुत पसंद है जी, बड़ा खुश दिल आदमी है। क्या बोला जी? मंगे, सरगे के बापू को तो बहुत पसंद है। चल जा फटाफट जाके देख और क्या बातें कर रहे हैं। शुक्र है रब्बा जी, ये तो हमारे पिछले जन्म के कोई कर्म है जो आप हमारी सरगे का रिश्ता मांगने आए। तुझे रिश्ता पक्का समझो। बस जी लाला जी आ जाए, वैसे हमारी तरफ से तो आप हाँ ही समझो। सरगी के बापू की तो हाँ ही आ है, बस एक बार लाला जी आ जाए। ये लो जी, लाला जी भी आ गए। लाला जी ये ब्रह्मपुर से आए हैं अपने लड़के के रिश्ते के लिए सरगी के साथ। आप जानते हो जी इनको? जानता हूँ जी, ये पुलिस पकड़ के ले गई थी ना इनके पुत्र को। पुलिस पकड़ के ले गई थी लेकिन भर्ती करने के लिए। अपना मंगा ना आजकल पुलिस में बहुत बड़ा अफसर हो गया है जी। मुझे भी मंगा बहुत पसंद है जी, आप हाँ कह दो तो मुंह मीठा करा दो सबका। हाँ जी हाँ जी। बहन जी आपने हमें इज्जत बख्शी,
मेहरबानी, पर माफ कीजिएगा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों जी? नंगे, नंगे, मेरा गर्क हो गया। क्या हुआ? लाला जी ने ना कर दी। लाला जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। कमी क्या है मेरे मंगे में? कौन कौन सी गिनवाओ बहन जी, सबसे बड़ी कमी तो यही है कि वो अंग्रेजों का नौकर है। गांधी जी ने सबको अंग्रेजों की नौकरी करने से मना किया और मैं अपनी पोती का रिश्ता एक अंग्रेज के नौकर से कर दो? नहीं, पर मतलब आपको गलत फहमी हुई है जी, अंग्रेज बुरे लोग नहीं है। जिस बात की समझ ना हो उस बारे में बोला नहीं करते। आप तो समझदार हो ना जी, उनसे चुप कर दो। आप सियालकोट गए थे ना जी अभी? तो कैसे गए थे जी? रेलगाड़ी में बैठ के गए थे ना? तो किसने बनाई है जी? अंग्रेजों ने बनाई है ना? नहीं होती तो बैलगाड़ी में बैठ के जाते टुचुक टुचुक करके। तो तरक्की तो हो ही रही है ना जी, अंग्रेज पूरे कैसे हो गए? ये तरक्की वो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। वो तो जिद हो गई ना जी आपकी, तो जब मानना ही नहीं फिर चाहे जो मर्जी बोली जाओ। क्या कह रहा है? हीरा, ऐसे ही नहीं चले आते किसी के घर ऐसे मुंह उठा के। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है भाई। चल मंगे, इज्जत अपने हाथ होती है तो इस रिश्ते को मैं ना समझू? चल ले, खा ले पुत्र, खा ले। भूख नहीं है दादी। मुझे पता है तुझे भूख क्यों नहीं है। तू फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए सर्गी से भी सोनी कुड़ी ढूंढ के लाऊंगी। दादी, वैसे सरकी के दादाजी ठीक ही तो कहते हैं। क्या? यही कि देश के लिए नौकरी कुर्बान कर भी दूं मैं, अच्छी बात ही है, उसमें क्या बड़ा है। भाई कौन से देश के लिए कुर्बानी की बातें कर रहा है तू? मुझे सब पता है। दो जवान शादी लायक पहने घर में बैठी है, अरे बाप का हाथ बटाने की बजाय नौकरी छोड़ने की बातें कर रहा है। सर दो छुत्तर मारू तेरे लाके, खुद खर्च कहीं का नौकरी छोड़ी। ठीक ही कह रहा है तेरा प्यो। ठीक है, नहीं छोड़ता नौकरी, लेकिन छोड़ना मैंने सरकी को भी नहीं है। साइट के बीचों बीच में विलेज हो गया तो फैक्ट्री कैसे? अरे विलेज ही तो है ना, अपना ही है, हट जाएगा। तुम्हारे लिए तो जगह नाइस है ना? हाँ, लेकिन लेकिन क्या? नाइस है तो नाइस है, नाइस है ना, चलिए। हमारा काम खत्म। ग्रेट, देन दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। नाउ मंगा, आई नो तुम ये शर्ट चिता सकते हैं। मैं पिता नहीं साहब जी। नॉनसेंस मंगा, 3, 2, 1, स्टार्ट। शाबाश, दैट्स एन ऑर्डर। Thank you.
Miracle Man? Hey, Miracle Man. Madam ji, Are you crying? No. You were crying? No. Tumhe bura laga drink karke? Nahi. Drink karke to maza hi aaya. Kya? Maza aaya tha. To phir Miracle Man rone ki wajah? Gandhi. सरगी के दादाजी गांधी जी के भक्त हैं। मैं ना पहले काम नहीं करता था, मेरे को सारे कहते थे काम नहीं करता। अब मैं काम कर रहा हूँ। मुझे उसके दादाजी कहते हैं कि तुम फिरंगियों के यहाँ काम करते हो और फिरंगियों के नौकर से हम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। पता नहीं क्या, कुछ भी पता नहीं। सरगी से प्यार करते हो? जान से ज्यादा। और सरगी? ये तो पूछने की बात है। Don't move. हाथ दो अपना। राखी बंद करो और मन्नत मांगो। मांग ली। मांग ली और आप भूख मरो। किधर गया? अब आपकी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। मतलब मेरी सरगी से शादी हो जाएगी? बिल्कुल, कोई शक? कोई शक नहीं। एक बात कहूँ आपसे? बोलो। आप बहुत ज्यादा अच्छी हो। वो तो मैं हूँ। महाराजा इंद्रवीर सिंह जी के हुक्म के मुताबिक ये ऐलान किया जाता है कि आप सबको जल्द से जल्द ये गांव खाली करना पड़ेगा। और उसके एवज में आप लोगों को जंगल वाली जमीन दी जाएगी। और चप्पल, गांव खाली करना पड़ेगा, करना पड़ा तरफ क्या सब करना पड़ेगा। बात सुन लो पहले पूरी। हुक्म ना मानने वाले को जुर्माने के साथ साथ सजा भी होगी। तुम बोलो ये कैसा हुक्म है जी राजा साहब का? पटवारी जी, हम आपको चिड़िया दिखाई देते हैं। क्या आपने कहा चिड़िया उड़ जा और चिड़िया उड़ जाएगी? ये गांव है, इंसान बसते हैं यहाँ पर। मुझे जैसा हुक्म मिला मैंने आप सबको सुना दिया। अब मानना ना मानना आप सबकी मर्जी है। जिन्हें मानते। अरे पटवारी जी, ये क्या बात हुई? अरे पुष्टे लग जाती है गांव बसाने में और आपने पल में फैसला सुना दिया। मैंने आपको चेतावनी देनी थी सो दे दी। आगे आप सबकी मर्जी, मैं चलता हूँ। ये कैसा हुक्म है जी? राजा साहब, ये नकु कुडा से आए हैं। राजा साहब, हमको हमारा गांव छोड़कर जाने को कहा जा रहा है। तो ठीक है, तो कहा जा रहा है जाओ, लेकिन राजा साहब ये गांव हमारी पुरखों की निशानी है। जब पक्के ही नहीं रहे तो निशानी का क्या करोगे? काम के बाद साहब। राजा साहब ये तो हमारे साथ जुलम है। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? इसे कर पागल का बच्चा। लेकिन हम अपना घर बार छोड़ के किसी और जगह क्यों जाएं? फैसला हो चुका है। लेकिन ये फैसला एक तरफा है। तुम हमें सिखाओगे? नहीं, सिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। फिर राजा साहब हमें कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा है कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अच्छा, गांधी ने ऐसा कहा? तो काम करो, तुम लोग कानून का ही सहारा लो। कानून से बड़ा कुछ नहीं होता, राजा होता है। पता है राजा ने हमारे गांव को खाली करने का हुक्म दिया है।
क्यों? रब जाने कौन सा महल बनाना है उसने हमारे गांव में। गांव वाले बहुत परेशान हैं। लाला जी तो शहर गए हैं कानून पता करने। अच्छा सरगी, अगर तेरा गांव मैं बचा दूं तो? कैसे? राजा साहब डैनियल साहब को बड़ा मानते हैं और डैनियल साहब मुझे। मैं जाके डैनियल साहब से राजा साहब की शिकायत करता हूँ, मामला दो पल में सुलझ जाएगा। और जब तेरे लाला जी को पता चलेगा कि गांव बचाया मंगत राम जी ने, तब देखना हाथ जोड़ के मेरा हाथ मांगने आएंगे तेरे लिए। फिर हमने भी कह देना कि गांधी जी से पूछ के बताएंगे कि रिश्ते के लिए हाँ के ना है। ऐसे खुश रह कर, बड़ी सोनी लगती है तू। मैं जाके डैनियल साहब से बात करता हूँ। तबला बजा रहे हैं। अरे देख रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं। फिर भी ये फैक्ट्री गवर्नमेंट का नहीं, हमारा है। ये हमको समझे नहीं। एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, आप कुछ समझते ही नहीं। आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि आप जो करना लीगली करना। आप वो गांव वाले को ऐसा कैसे बाहर निकल सकते हैं? आई एम द किंग And I am a servant. Nokri karte hai hum, British government ka. Now, hum ko koi aur jagah dekhna hoga. Baat sirf jagah ki nahi hai. Baat hamari izzat ki hai, Daniels. And what about my job? अगर गवर्नमेंट के पता चला कि हम विलेज लैंड पे इलीगली कब्जे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम्हारी गवर्नमेंट ने कौन सा हिंदुस्तान पे लीगल कब्जा किया है? That's not funny. Stop it. Relax, Daniel. Relax, sir. Relax. जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। 100% होगा। My orderly monger. तो हमको बोला कि विलेज का एक आदमी शहर गया है बैरिस्टर से मिलने। आप वही करेंगे जो हम बोलेंगे। वैसे तो तेरे जैसे छोटे आदमी से हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, पर्दे काज कर रहे हैं सिर्फ डेनिस के कहने पे। वैसे नाम क्या तेरा? मेरा नहीं, छोड़ जाने दे, चिंता मत कर, गांव वालों के साथ कोई ना इंसाफी नहीं होगी। ऐसे ऐसे बातें जो ना बैठ के की जाती हैं। नहीं, एक काम कर, गांव के हर घर से मोहतबर मुखे आदमी लेके शाम को जलसा घर में आ जा। ले आऊंगा जी, मेरे बन जाए सर। थैंक यू साहब जी। देखो जी, अपनों का दुख तो अपनों को ही होता है। ऐसे थोड़ी ना मैं गया था यहां से भागा भागा। मुझे जैसे ही पता चला कि गांव को खाली कराने के लिए मनादी हो गई है। मैं तो जी बस, तुझे किसने बताया? मेरे को हीरे ने, अपना हीरे ने ही, और किसने मुझे बताना है? क्यों हीरे? हाँ मैंने बताया होगा। जैसे मुझे पता चला ना जी मुखिया जी, तो मैं तो आ गया ताव में जी। मैं सीधा गया डैनियल साहब के यहाँ पे। मैंने कहा डैनियल साहब ये गलत हो रहा है। कुकड़ा वाले के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? ये कुकड़ा वाले मेरे अपने हैं, अपने ही हुए हैं ना जी। फिर क्या, डैनियल साहब ने मुझे बिठाया मोटर गाड़ी में, बिठा के सीधा राजा साहब के यहाँ पे ले गए। और जैसे राजा साहब को पता चला कि मैं डैनियल साहब का खास आदमी हूँ, तो राजा साहब ने कह दिया, कहते मंगत राम। अच्छा, उनको मेरा नाम पता था। वाह, ये मुझे बड़ी हैरानी हुई। और उन्होंने वादा किया जी, वो कहते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो सबको शाम को बुलाया जी उन्होंने अपने महल में। क्या फायदा, पहले भी तो कहते
बेइज्जती करा के वापस आ गए और मालिश करा के आ गए। ऐसे मसले बैठ के बातचीत करके हल होते हैं जी। शाम को सब घरों में से एक एक मौत पर मुखिया आदमी तैयार रहना जी, जलसा कर चलेंगे जी। अच्छा जी, हर बुरा बुरा नहीं होता। डैनियल साहब की वजह से घर बच गए मुखिया जी, जमीनें बच गई सबकी। चलता हूँ जी, मेहरबानी। बहरामपुरी तेरा एहसान रहना है हम सबके। अपनों का अपनों पे एहसान नहीं होता जी, ये तो फर्ज था मेरा। चलता हूँ। वो तो ठीक है न्याले, पर लाला जी के बिना हम कैसे जा सकते हैं? ऊपर जाना तो पड़ेगा ही मुखिया जी, ना राजा साहब दोबारा नाराज हो गए तो है? और वैसे भी गांव बच गया तो लाला जी ने खुशी ही होना है। चलो चलो अब बैठे के आओ परवान। चलो उठिए, उठिए। क्या हो गया? बाहर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या करके आए रात को? शराब की बदबू अभी तक आ रही है, चाहिए ना। हीरे क्या हुआ? हीरे अंगूठा देखा। और क्या हो गया भाई? याले अपना अंगूठा देख, सब समझ में आ जाएगा। ओए ये कैसे? रात ही समझाया, इतना ज्यादा नहीं पीते। पर मैंने तो शरबत ही पिया था बस। ओ हीरे वो तो ठीक है, पर ये देख ये पैसे कहां से है? पैसे अपनी जेब में देखो। तुम भी देखो अपनी जेब में। या काम खराब हो गया भाई। हाँ बात समझ में आ गई। क्या वकील साहब? पास गया, बांसुरी भी गई। है? मतलब? ओ मतलब हकीम साहब घर भी गया, जमीन भी गई। ऐसे कैसे गए? और ना लाला जी नाले। तो पैसा मेरे को, पैसा मेरे को। जी हैं बहुत बड़े बरिस्टर हैं, अब अपने गांव को कुछ नहीं होगा। वाह वाह क्या बात है, लगता है गांव खाली करने की तैयारी चल रही है। मतलब इन गांव वालों से पूछिए ना। पटवारी साहब कानून से बड़ा कोई नहीं होता, राजा साहब इनसे इस तरह गांव खाली नहीं करवा सकते इनकी सहमति के बिना। हाँ। अजी वकील साहब सहमति तो ये सारे कल रात को ही दे चुके हैं, अंगूठे लगाकर मुआवजा भी ले चुके हैं। जरा दिखाइए अपने नीले नीले अंगूठे। क्या मुखिया जी आपने दिखाई? आप सब करें? वाह भेज आए गांव को। लाला जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बोलिए। देखिए राजा जी की तरफ से मैं आप सबको आखिरी चेतावनी देता हूं कि जल्दी से जल्दी ये गांव खाली कर दीजिए। लाला जी सारा कसूर मंगे का है। मंगा? मंगे का क्या कसूर? हीरा सही कह रहा है। दिखाक सही कह रहा है। मंगाई तो मैं राजा साहब के पास ले गया था, उसके दिल में क्या था हमें क्या पता। बहुत बुरा किया मंगे ने। मुखिया जी मैं मंगे नहीं छोड़ता। धोखा दिया उसने हमको, सारा कोई तो लेके गया। सब लोग मंगे पास चुप, चुप। मंगे तो पैसे क्यों पड़ गए? लाला जी नहीं पानी का पानी।
बताना है बताने दे, तूने कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? क्या हुआ मुझे भी कोई बताएगा? क्यों यार कुछ बताओ तो। अरे हम क्या बताएं, इससे पूछो ना, इससे राज ने किया क्या है। वाह इससे पूछो उससे पूछो, कोई मुझे बताएगा कि इसको रात किसने पिलाई? इसको किसी ने नहीं पिलाई, कल इसने सबको पिला के हमारा गांव बेच दिया। ये देखो उठे देखो। हाँ भाई वो यहाँ पे आता है कि नहीं? क्यों क्या हुआ? ध्यान में नहीं आ रहा जी कुछ, सो गया था मैं, आंख खुली तो इधर था। और तुझे इतना तो याद है ना कि तू हमारे गांव आया था? हाँ जी उतना तो याद है जी। दयानिया साहब राजा साहब के दोस्त हैं, उन्होंने उनसे बात की है, उनकी एक ही बात है तुम्हारी जमीनें बच जाएंगी। ये बच जाएगा वो बच जाएगा, डॉने लिया इसने कहा था कि नहीं? ये ठहरा फिरंगियों का पिट्ठू, फिरंगियों के साथ रह के ये भी फिरंगी हो गया है, उनके जैसा धोखे बाद। और इस फिरंगी का छत्र पोला होना चाहिए। खबरदार जो किसी ने मेरे मंगे को हाथ भी लगाया तो। ओए हाथ, ओए इसने हमारा गांव बेच दिया, मैं इसकी चालान कट रहा है। पहलवान जी, पहलवान जी हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, कोई हिंसा नहीं करेगा। यही बात हम शांति से भी कर सकते हैं, आराम से। समझ गए भाइयों? क्या बात है लाला जी? क्या बताओ मुखिया जी, ये आपका मंगा, ये हमारे गांव की सारी जमीन राजा साहब को बेच के आ गया। मंगे क्या ये बात सच है? नहीं मुखिया जी, बिल्कुल सच नहीं है जी। क्या? मैंने तो गांव की जमीन बचाने के लिए डैनियल साहब से बात की, और तो डैनियल साहब ने आगे राजा साहब से बात की, उन्होंने सबको महल बुलाया, सब साथ में ही गए। डैनियल साहब की बात कभी राजा साहब टाल ही नहीं सकते, जरूर कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई है। जैसे उस दिन मुझे पुलिस लेके गई, आपको लगा कि मुझे गिरफ्तार करके लेके गए, बात कुछ और थी। आप मुझे एक मौका दें, मैं डैनियल साहब से बात करके सब ठीक कर दूंगा जी। लाला जी मंगा ठीक कह रहा है लाला जी, एक मौका तो बनता है लाला जी। हाँ हाँ लाला जी, मंगे को एक मौका मिलना ही चाहिए। ठीक है, तुम जाके अपने साहब से बात करके आओ, तब तक हम यही इंतजार करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। राजा साहब ने कहा था ना कि नखुपुरा के लोगों को बात करने के लिए लेकर आओ, तो राजा साहब के पास मैं ले गया, उन्होंने वहां पे इनको दारू पिलाई, इनको मुजरा दिखा दिया और फिर सबके अंगूठे लगवा लिए जी, और नखुपुरा वाले मेरा कसूर निकालते हुए मेरे घर पे आ गया जी मुझे मारने के लिए। मैं मौत से नहीं घबराता, मतलब पर हुआ तो गलत ही ना जी, और एक तरफ से देखा जाए साहब जी तो धोखा तो आप ही के साथ हुआ है। आप राजा साहब से बात करो, आप अगर कह देना एक बार कि कागज गांव वालों को दे दो, फिर सारा मसला हल है। तो तुम उनसे खुद ही बात कर ले। मुस्तफा कस फैक्ट्री शराब की फैक्ट्री, एक मालिक दो, एक राजा साहब और दूसरे अरे बेवकूफ तेरे साहब चलवा गया से। मंगा आई मस्ट थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुमने ये होते ये कभी नहीं होता। मंगा तुम कुछ बोल रहे हैं?
मंगे 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 क्या हुआ, क्या कहा डैनियल साहब ने? हैं? और कुछ तो बोला है, क्या हुआ? लाले सही कहते थे हीरे, ये गोरे लूटने ही आए हैं हमें और हमारे मुल्क को। मतलब? मतलब हमें लगता था राजा कमीना है, ये डैनियल साहब तो उससे भी बड़ा कमीना निकला। साफ साफ बोलना, क्या हुआ? मतलब सर की भी गई और गांव भी गया। मतलब हमारी जमीनें गई? फैक्ट्री लगा रहे शराब की राजा और डैनियल मिलकर। तुझे किसने कहा? खुद राजे ने। तूने कुछ नहीं कहा? मैं क्या कहता, मैं बाहर आने लगा तो मुझे कहता तू सलूट मारना भूल गया। फिर क्या, मैंने मार दिया सलूट। अब गांव जाके मैंने सलूट ही मार दिया सबको, फिर देखो कहां कहां मारते हैं। चलती रही बोल, यहां से निकल के बात करते हैं। खजा लो आ गया। आवे क्या कहा तेरे डैनियल ने? जवाब दे। अरे कुछ बोलता क्यों नहीं है? ओ बोल कुछ, ओ बोल। हाँ भाई, क्या कहा तुम्हारे साहब ने बताओ? आपका गुस्सा जायज था जी, राजा साहब ने की थी गलत हरकत। जमीन जो डर था आपको कि चली जाएगी, चली गई थी जी वो, तो समय रहते आप आ गए, आपने मुझे बता दिया, मैंने जाके डैनियल साहब को बताया। डैनियल साहब को पता ही नहीं था जी कि क्या हुआ, तभी वहां राजा साहब आ गए। तौबा तौबा, उसके बाद जो डैनियल साहब ने राजा साहब की खिंचाई की, मतलब राजा तो उसकी सिट्टी पिट्टी घूम। सिट्टी पिट्टी मतलब? सिट्टी पिट्टी की सिट्टी पिट्टी, बोल ही नहीं पा रहा था राजा। उसने कहा कि ऐसे नकुकुड़ा के मतलब कैसे आप पूरे गांव वालों को निकाल सकते हो, मतलब कानून नाम की भी कोई चीज होती है पागल। ये राजा लोग जी इन्हीं के काबू आते हैं, बुरे लोगों के, तो नकुकुड़ा के सब लोग खुशी खुशी रहे। जमीनें बच गई जी, शुक्र। बस हुआ कुछ, कोई गलत बात निकली मेरे पुत्र की? ऐसे मुंह उठाए हरल हरल करते मेरे घर में आ गए। मुझे तो इस पर अब भी यकीन नहीं आ रहा। तुझे आना भी नहीं है बैल कहीं का? मंगे उनका कागज तो वापस कर दे जिसपे तूने अंगूठे लगवाए थे। आपकी कितनी जमीन है नकुबड़े में? ओ नहीं नहीं, बात तो सही कह रहा, कागज दिखा दो। उस कागज का क्या बोला था उन्होंने, तू बता। अच्छा वो मुआवजे की जमीन जो मुआवजे के जो रकम थी वो तो नहीं खर्च की ना आप लोगों ने, वो उनको वापस करनी पड़ेगी। बात तो ठीक है मुखिया जी, मुआवजे की रकम वापस करेंगे तभी तो कागज मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रकम भी हाथ से चली जाए और जमीन भी वापस ना मिले। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये भी ठीक है भाई, तू एक काम कर, तू कागज वापस ले आ और मुआवजे की रकम ले जा। ठीक है। क्यों मुखिया जी, ठीक ठीक है लाला जी। हाँ भाई चलो भाई चलो चलो। शुक्रिया, बस कागज जरूर वापस ले आना। हाँ जी। Wow, so beautiful. That wasn't funny. What a beautiful day, bright and sunny. But the beautiful girl says, that wasn't funny. May I say something? मुझे लगा तुम सिर्फ शराब पी के भागते हो, बेहतर ये होगा अगर आप अपने शिकार पर ध्यान दो। वही तो कह रहा हूं,
वक्त में तोशिका कैसे करते हैं मुझे अच्छी तरह से आता है, और खुद की हिफाजत कैसे करते हैं मुझे आता है। माइंड इट मिस्टर मार्क डैनियल्स। डेनिस, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, हम तुम्हें जानते ही नहीं, समझते भी हैं, तो जो कहना चाहते हो वो कहो। हम क्यों जानते हैं, व्हाइट स्किन मेन को ब्राउन वुमेन से शादी अलाउड नहीं है, लेकिन हम करना चाहते हैं। I want to marry Shelby. Yes, I do. Oh, I see. लेकिन इस व्हाइट स्किन मैन की शादी से इस ब्राउन स्किन मैन को क्या फायदा? मतलब अगर फैक्ट्री की डील ये हो सकती है तो शादी भी हो सकती है, फिर इस ब्राउन स्किन मैन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी क्लेवर। चीयर्स। चीयर्स। सोनी लग रही है, लगता है रोज साबुन से नहा रही है। पिताजी बहुत खुश हैं। तुमने साबुन उनको दे दिया? नहीं, तूने हमारा गांव बचाया ना, इसीलिए। अच्छा, रब सुख रखे। लाला जी ने मान ही जाना है हमारे रिश्ते के लिए। वो सरगी, मुझे एक बात बतानी थी। बताओगे तुम्हें? मैं सोच रहा था कि तू और मैं, मतलब मैं और तू। सीधे सीधे बोलना, ये मैं तो क्या है? हम भाग के शादी कर ले। मैंने लतीफा तो नहीं सुनाया कोई? मंगे, जब लाला जी ने वैसे ही मान जाना है तो हमें मिर्जा साहिब बनने की क्या जरूरत है? नहीं मानना तेरे लाले ने। पक्का मान जाएंगे। पता है, मैंने पीर बाबा से मन्नत भी मांगी है, मीठे चावल चढ़ाऊंगी। डैनियल ने नहीं ना मानना मीठे चावलों से। मतलब? सरगी, ऐसे ही सोच रहा था, अगर डैनियल कागज ना दिला पाए तो हमें गांव छोड़ के जाना पड़ेगा और हमारी शादी भी कभी नहीं होगी। इसीलिए कहता हूं कि भाग के शादी कर लेते हैं। मंगे, सच सच बताओ, क्या बात है? सरगी, मैंने ना झूठ बोला था कि डैनियल गांव के कागज वापस दिला देगा। क्या? मैं घबरा गया था सरगी, मुझे लगा अगर मैंने सच बोल दिया तो लाला जी मुझसे और नफरत करने लग जाएंगे, और पहलवान भी बहुत गुस्से में था, तो हमें सच में गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। तूने झूठ क्यों बोला? पर तू फिक्र ना कर सरगी, तुझे तो वैसे भी शादी के बाद अपना गांव छोड़ना ही था ना। और मेरे माँ बाप, निम्मो, लाला जी और गांव वाले सबने मेरे शादी के बाद गांव छोड़ देना था। सरगी,
मेरी बात तो सुन। तो बड़ा मतलब ही निकला मंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचा। मंगे तो सच में फिरंगी हो गया है। तुम्हारी वफादारी का इनाम है। वेरी गुड। विलियम, गुड टू सी यू। नंदलाल, तुम कैसे हो? बढ़िया जनाब। दैट्स मंगा, हमारा खास आदमी। नाउ विलियम, वी हैव टू स्टार्ट वर्क एज सून एज पॉसिबल। नंदलाल, फैक्ट्री का काम 6 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। जी जनाब, हो जाएगा। But we have to plan it well. सबसे पहले गांव को खाली करो, उसके बाद वहां इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट्स करो, then सारे घर तोड़कर फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू की जाए। सब वक्त से पहले हो जाएगा जनाब। पहचान मैं मंगत राम, डैनियल साहब का खास आदमी। बोल क्या बात है? बात कोई नहीं जी, सलाह देने आया हूं। सर इधर आइए, यहां पास में पीर बाबा की मजार है, एक बार माथा टेक लेना मरने से पहले। क्या मतलब? आपको तो पता ही होगा राजा साहब ने जमीन कैसे हड़पी है गांव वालों की, कि नहीं? तो गांव वाले बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं जमीन हाथ से जाने के बाद, कुछ भी हो सकता है। दो चार पुलिस वाले बुला दे भाई। दो चार पुलिस वाले तो फिर दो चार दिन ही संभाल पाएंगे आपको। पांचवें दिन आपकी कुकी टैंग कर देनी उन्होंने। नील्स डेंजर डेंजर जनाब। मैं समझाता हूँ जी आपको, दूर से समझा दे। डैनियल साहब ने क्या कहा था? पहले गांव खाली कराओ, फिर बिजली लगाओ, फिर फैक्ट्री की मरत लगेगी, यही कहा था ना? तो अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे तो कर सकते हैं कि नहीं? आप एक काम करो, आप पहले बिजली लगा लो, काम बाद में खाली कराते रहेंगे, अपनी जान रहेगी तो काम होएंगे कि नहीं? थोड़ा सा
गोरे साहब को समझा दो थोड़ा, ठीक है? मैं समझ गया जनाब, इलेक्ट्रिसिटी फास्ट। अभी कौन है लोग? ये ठेकेदार है जी, नंदलाल जी, और ये विलियम साहब है जी, अच्छे वाले अंग्रेज। पर ये हमारे गांव में क्या कर रहे हैं? बत्ती लगाने आए जी नकुकड़ा में। बत्ती? बत्ती नकुकड़ा में जगमग जगमग हो जानी मुखिया जी, अब वो दिए को फूंक मार के मुंह काले करने वाले दिन गए। तो सच्ची में कह रहा है ना? मैं झूठ के बोलूंगा मुखिया जी? मैंने तो डैनियल साहब को भी कह दिया था, मैंने कहा जी काम के कागज आते रहे, पहले बत्ती लगाओ नकुकड़ा में। क्यों जी ठेकेदार साहब? जी हाँ, बत्ती पहले लगेगी और चार दीवारी बाद में होगी। चार दीवारी? चार दीवारी क्यों? बत्ती लगेगी तो चार दीवारी तो करनी पड़ेगी ना, बत्ती चोरी होगी तो। बत्ती चोरी भी हो जाती है? भैंस नहीं चोरी होती, गहने चोरी होते हैं, बत्ती भी तो महंगी चीज है जी। और आपको पता है मुखिया जी, बत्ती एक बार चोरी हो गई ना फिर नहीं हाथ में आती। अच्छा? हाँ जी, शुक्र है जी रब दा, नकुकड़े में बत्ती आ रही है, मैं रामपुर में तो आई नहीं। तो है क्या चीज, तो कर क्या रहा है? ये बिजली के खंबे, ये बत्ती, और कितने धोखे देगा, और कितना झूठ बोल देगा तुम्हारे साथ? तुझे तो यकीन है ना मुझ पे? ना रत्ती भर यकीन नहीं है। धीरे बोल ले, वर्दी में हूं मैं। वर्दी में? सही कह रहे थे तीन साहब, फिरंगियों के साथ रह रहे के तुम्हें पक्का फिरंगी हो गया है। ये बात तू कह रहा हीरे? तुझे क्या लगता है तुम लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं है मुझे? और चल अपना काम कर, मुझे पता है किसकी तकलीफ का एहसास है तुझे, आया बड़ा मिर्जा कहीं का। धीरे मत ले, धीरे बोल। और तू क्या देख रहा कल्लू है, मुझे और आया चल। और अगर तुझे तकलीफ का एहसास होता ना तो अंग्रेजों के तलवे ना चाटता तू, ना तेरी नौकरी का टाइम हो गया होगा, ना सलूट मार रहा क्या उन्हें? हाँ तो सलूट मार रहा हूँ ना, तो किसी मतलब के लिए मार रहा हूँ। मतलब के लिए? मतलब मतलब जैसे को तैसा। कैसे को कैसा? जैसे को तैसा। सरकी, सरकी मेरी बात तो सुन, कहाँ बाकी जा रही? सुन तो, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। जिसके लिए मन्नतें मांगती फिर रही है उसी से बात नहीं करनी? ऊपर वाला भी सोच रहे लड़की चाहती क्या है। मंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू कर क्या रहा है? मुझ पे यकीन है ना? क्या जरूरत थी झूठ बोलने की कि तेरे साहब कागज वापस दिला देंगे? साहब का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कागज ले आऊंगा। पत्थर आगे सर की देखना, कागज के आ जाएंगे, तू चिंता ना कर। लड्डू दे दे। प्रसाद? प्रसाद नहीं बुझता। वाह मंगे वाह, तेरा भी जवाब नहीं, गांव में बत्ती ले आया, मुझे लगता है अब जमीन के कागज भी पक्का ले आएगा। लाला जी, आपने मंगे के रिश्ते को ना करने में थोड़ी जल्दी नहीं करती? According to this partnership deed, His Highness Maharaja Indivir Singh will receive 60% stake and Mark Daniels 40% stake. Good, very good. Laiye signature kar lo. Wait, Raja Sahab. Read the last clause, please. Oh, yes. Should King Indivir Singh fail to get his daughter, Princess Shamli Div, married off to Mark Daniels, the stake will be reversed. In such a scenario, King Indivir Singh's stake would be 40%, while Mark Daniels' stake will be 60%. Laiye kagaz. Congratulations, Raja Sahab.
वीर बहादुर नकोकुड़ा की जमीन के कागजात कहां? इन्हें संभाल के तिजोरी में रखवा दो। सर राजा साहब, आज से आप और हम पार्टनर्स, ऑफिशियल पार्टनर्स। 60-40 Cheers. Cheers. और डैनियल्स, कम कर रही है शादी। जल्द से जल्द राजा साहब। हम भी चाहते हैं। शादी होगी तो हिंदुस्तानी रीति रिवाज से। क्यों नहीं? शुक्र सरकारी सामान रखाने आया था। डेनियल से शादी करने के लिए मान जाएंगे। I don't even like him। हम यहाँ तुम्हारी राय जानने नहीं अपना फैसला सुनाने आए हैं। चाहे वो फैसला हमारी जिंदगी बर्बाद करते। यह सवाल तुम्हारी जिंदगी का नहीं है, हमारी जुबान का है जो हम डेनियल को दे चुके हैं। हमसे पूछ कर आपने जुबान दी थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यही सीख क्या तुम ऑक्सफर्ड से? पिताजी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें ना तो इतनी बात सुनने का शौक है और ना ही इतनी बात करने की आदत। I hope you understand। हम आपके शौक भी जानते हैं और आपकी आदतें भी, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं। हम आज की लड़की हैं। हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, बिकॉज इट्स माई लाइफ। इसलिए आपका ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आवाज समझ रहे? और समझाने की जरूरत है। शादी तो तुम्हारी डैनियल से ही होगी, तो बहुत जल्द होगी। आगे मैं रसूलपुर भेड़िया छतपुरा खेड़ा बहरामपुर आगे मैं रसूलपुर भेड़िया छतपुरा खेड़ा बहरामपुर आगे मैं रसूलपुर ओ पुत्र तुम मंगे का दोस्त है ना? हाँ। मुझे पहचाना ही नहीं ना? उस दिन तुम्हारे गांव से लोग आए थे मंगे को जूते मारने। हाँ। अरे मैं अभी तो वही था। अच्छा। मुझे बहरामपुर तक छोड़ दोगे? हमारा काम है छोड़ना, पैसे खुले नहीं। वो पैसे होते बेटा तुम उसमें ना बैठ जाता। और चल चाचा बैठ जा तू भी। आज मैं रसूलपुर खेड़ा छतपुरा बहरामपुर नीचे उतरो, टांगा कहीं नहीं जाएगा, फटाफट उतरो, उतरो 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 उतरो। चलो, ओ कोई नहीं उतरेगा, बैठ जाओ तुम। चुप, गांव कहीं नहीं जा रहा। हाँ तो गांव तो पहले भी कहीं नहीं जा रहा था, हम निकल रहे हैं ना। आप उतरो, चलिए चलिए चलिए, कहीं नहीं जा रहा, चलिए। ओ कोई नहीं उतरेगा, बैठो तुम। चुप, गांव की जमीन के कागज राजा की तिजोरी में है। हाँ तो राजा की तिजोरी में होने, तेरी दादी के संदूक में तो होने नहीं। हीरे तू समझ रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा तिजोरी कैसे खुलती है। मतलब
मतलब तू मैं और गांव के कुछ आदमी जाएंगे और चुपचाप कागज चुरा के अब तो चोरी भी करेगा तू धीरे नहीं बोल सकता अब तो चोरी करेगा और जो भी फैसला करना है जल्दी करो क्यों मेरा वक्त जाया कर रहे हो चाचा सारी उम्र आपने जाया की है ना थोड़ी देर और नहीं रुक सकते चुपचाप जाएंगे कागज उठा लेंगे ठीक है तो एक काम कर तो अपनी बेबे बापू दादी और फिर को लेके जा चोरी कर मैं गया सवारी ले आ मैं झंझपुरा खेड़ा बहरामपुर चल चल बेटे जब तक तू मार नहीं जाता मैंने जाना नहीं है तो मर पर गेट पे खड़ा हूं मैं चल 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 मैडम जी मुंगा अगर गाड़ी के नीचे आके मर जाते तो मरे हुए मैडम जी जी कहां रहे हैं शुक्र रब्दा आप मिल गई क्यों क्या हुआ व्हाट हैपेंड धोखा हुआ जी डैनियल साहब बहुत गलत आदमी निकले जी वैसे मेरी औकात तो नहीं है ये बात कहने की पर आप डैनियल साहब से शादी ना करना जी आई नो मंगा मैं डैनियल्स को शादी के लिए मना ही करने जा रही थी कैसे अदा करें आपने तो पहले राजा जी से कह के हमारी जमीन वापस करा दी है? और फिर गांव में बिजली भी लगा दी अब तो दिए को फूंक मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कमाल कर दिया जी आपने बड़ी बड़ी मेहरबानी जी आपकी बड़ी मेहरबानी डैनियल जी मैं क्या जमीन के कागज कुछ तो लाए हो नाम दे नाम जी साहब जी क्या बोलना चाह रहा हूं कि सबसे पहले गांव को खाली करना बोला था ना बोला था कि नहीं जी तो गांव खाली क्यों नहीं हुआ अभी तक वो मंगा साहब कह रहे थे कि गांव वाले काफी गुस्से में हैं और जमीन वो अंगूठे वाले बात से जान का खतरा था इंजीनियर साहब भी डर गए मैं तो बहुत डर गया जी मंगा साहब कब से हो गया Nandalal, you tell these people to vacate this village right now. साहब जी कह रहे हैं कि आप सब लोग यहाँ से तितर-बितर हो जाओ ये गांव खाली कर दो या शराब की फैक्ट्री लगेगी इसलिए एडियो को लगाओ थूक और यहाँ से निकल लो नहीं तो चित्र बताना बहुत होगा ऐसे कैसे हो सकता है पर मंगा ने कहा था ये गांव तो बच गया देख ली ना अपने मंगे की जबान इसका मतलब है मंगे हमसे सब झूठ बोला था ओए मां मंगे को ऐसी बिजली का कंबल से उल्टा लटका चढ़ा हम सब गांव का लेकर से करेंगे शांति भाइयों शांति देखिए साहब हम ये गांव छोड़ के नहीं जाएंगे Now you listen to me old man I have the documents of this land Now call it kind of वरना क्या कर लेगा तू कहीं यहां दूसरा जालिया वाला बाग ना बन जाए ये गांव हमारा है और हमारा ही रहेगा हम यहां से नहीं जाएंगे श्यामली मैडम सलाम कर मैडम जी ये हीरा है अपना जिगरी यार है थोड़ा चोरी के नाम से घबराया हुआ है हीरे
मैडम जी भी गांव के कागज वापस लाने में हमारा साथ दे रही हैं। हम गांव चलते हैं, तो हकीम जी, निहाल जी और पहलवान तीनों को गांव के बाहर मुझसे मिलवा दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। देख क्या रहा है, चल बैठ, वक्त आ गया हीरे जैसे को तैसा दिखाने का। दादाजी को डंडा मारा, मंगे सब लोग तेरे फिर से गालियां दे रहे, तूने सच में झूठ बोला था? तुझे लगता है अंग्रेजी में आप क्या कहते हो जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अंग्रेजी में कह रही है कि मंगे की बात तो सुन लो। मुखिया जी, खुद राजकुमारी जी मेरी सच्चाई का सबूत देने आई है। मुझे तो खुद नहीं पता था कि राजा और डैनियन मिले हुए हैं। ठीक है, मैंने डर के मारे एक दो बार आप लोगों को झूठ बोला है, अब मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे तो इसमें भी इसकी कोई चाल लगती है। ओ, मैं मार दूँगा इसको, मैं नहीं चलूंगा। शूट हिम। चलेगी, आप इस नखट्टू को गोली मारकर जेल में चले जाएं। मौत सामने थी लेकिन मंगा बिल्कुल नहीं डरा। जानते हो क्यों? क्योंकि मंगा सच्चा है। वो जाए यहां से, सब खत्म हो गया। तू जा यहां से, चलो भाई। एक आप ही तो है जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया था, और तूने क्या किया? बस एक आखिरी मौका और दे दीजिए, अब तो राजकुमारी जी भी हमारे साथ हैं। दरअसल फैक्ट्री की वजह से ये भी बड़ी परेशान है। राजा साहब ने फैक्ट्री के जो मुनाफा है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी लेने के लिए इनकी शादी जबरदस्ती डैनियल साहब के साथ तय कर दी। राजकुमारी जी और हमारे गांव की मुसीबत का कारण एक ही है जी, शराब की फैक्ट्री, और हल भी एक ही है, गांव की जमीन के कागज। आप मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। ओ यार, एक बार उसकी बात तो सुन लो। किस तरह पिछली बात सुनी थी? ओ चाचा, मेरा मत्ता घूम गया, मैं सर फाड़ देना उसका। और सबसे पहले तो गला फाड़ना बंद कर, जब हाथ में बंदूक आई थी तब तो सांप सूंघे थे तुझे। सर फाड़ देना उसका, सर फाड़ देना उसका। और गलती हमारी भी है,
मंगी को गलत कहने से पहले ना हमें अपने गिरेवा में जागना चाहिए। हकीम साहब, अगर उस दिन हम शराब पी के बेहोश ना होते ना, तो गांव की जमीन हाथ से ना जाती। चलो। काम मुश्किल नहीं है हकीम साहब, पर आप सबकी मदद के बिना नहीं हो सकता। और आपको करना भी वही जो आपका हुनर है। निहाल जी लोहार है, वो चाबी बनाएंगे। आप हकीम हो, आपने दवा लेके जानी है। नहीं वो निहाल है, मुझे माफ कर, मुझे नहीं करनी कोई चोरी चोरी। और तुम लोग भी जरा आकर लगाओ, जान है तो जान है। पर यार मेरी बात तो सुन ले। छठ भाई रहने दो जी, जिनको अपनी माँ जैसी जमीन से ज्यादा अपनी जान की फिक्र है ना, उनकी यहाँ जरूरत भी नहीं है। हकीम जी, मुझे भी अपनी जान की परवाह थी, पर जरा ठंडे दिमाग से सोचो, इसे क्या पड़ी है, ये किसके लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है? है? किसके लिए? आप ही पहलवान साहब, निकलो आप, कोई नहीं देख लेंगे हम लोग। ओए चुप है, जमीन हमारी माँ माँ, तू बस बता करना क्या है। हाँ बता भाई, बराबर ही करना क्या है। करना क्या जी, थोड़े दिन बाद मैडम जी की शादी है डैनियल से, ना ही शादी करना चाहती है ना ही हमने होने देनी है। राजा साहब और डैनियल का सारा ध्यान रहेगा शादी पर, बस हम लोगों ने आराम से कागज उठा लेने। तो फिर राजा साहब ने आराम से सफी कर देने, कटवा देनी। आप गए नहीं अभी तक? मंगा, इस काम में हमको सरगी की भी जरूरत पड़ेगी। सरगी की जरूरत क्यों पड़ेगी मैडम जी? फेरों में कोई तो बैठेगा ना हमारी जगह पे। पर फेरे खत्म होने से पहले पहले हम लोग कागज नहीं उठा पाए, इनकी शादी तो डैनियल के साथ हो जाएगी, इनका बाप तो जीते जी मर जाएगा जी। ओ मंगे, फेरों से पहले हम अपना काम कर लेंगे। हाँ सरगी जाएगी। तू पागल हो गया न्याले, तू अपनी बेटी की जान लेगा? ये भी तो किसी की बेटी है, जब ये हमारे गांव के लिए खतरा मोल ले सकती है तो सरगी क्यों नहीं। राजकुमारी जी ठीक कहती है, सरगी जाएगी। मैडम जी मैंने सोच लिया, आपकी जगह फेरों पर कौन बैठेगा? कौन? वो तेरा दिमाग खराब हो गया, चल अपना काम कर। ये तुझे आके समझाता हूँ मैं चलता हूँ, मुझे डैनियल से मिलना है। होंगे मुझे तो सिर्फ दवाई देनी होगी ना। मंगा साहब, तुमने नंदलाल को क्यों कहा कि गांव में बिजली पहले लगाओ? आपके फायदे के लिए साहब जी। हमारा फायदा? साहब जी गांव पहले खाली करा देते तो मजदूर बाहर से मंगाने पड़ते, तो खर्चा दुगना हो जाता। आपसे तो सीखा जी, फायदे के लिए थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया जी। बहुत जल्दी सीख गए तुम। मेहरबानी साहब जी। साहब जी बताइए, आपकी शामली मैडम के साथ शादी हो रही है जी? थैंक यू मांगा। साहब जी फिक्र नहीं करनी, शादी की सारी जिम्मेदारियां मैंने संभाल लेनी है। एक्सलेंट। पहलवान और हीरा ढोल बजाने वाले के भेस में, हकीम जी आप राजा के भेस में, और निहाल जी आप इनके दीवान जी के भेस में बारात में शामिल होंगे। और सबसे जरूरी बात, उमंगे यार ढोल डाल तो ठीक है, पर ये जनानी मंगने वाला काम कोई और नहीं कर सकता। सबसे जरूरी बात, आप सब लोग मेरे हुक्म को बिना सवाल के मानोगे। पहलवान तू तो स्टार निकला। निकलेगा क्यों नहीं, अखाड़े में कुछ तो ज्यादा ढोली तो बजाता ही है। अपना काम कर, बस यूं समझिए कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, और वो बिल्ली है राजा का दीवान वीर बहादुर सिंह। हकीम साहब वैसी ही कोई दवा बनाइए जैसी दवा पिलाकर उन्होंने हमारी जमीन हड़पी थी। हाँ तभी होगा जैसे वो तैसा। इसको सीधा करो, इनको नहीं पतलून को घुमाओ। उल्टी पिला दी। और दीवान से चाबी की छाप लेने के बाद आपका काम शुरू होगा। कितनी चाबियां? एक। मंगे भाई वो जनानी बनने वाला काम कोई और नहीं कर सकता, देख ले यार। फिर सवाल,
बहुत अच्छे न्याल जी। हकीम साहब छाती बाहर पेट अंदर, छड़ी नीचे, आरोप से। चलिए 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 न्याल जी। सब ठीक हो जाएगा। हाँ सच में सब ठीक हो जाएगा। हाँ सच में सब ठीक हो जाएगा। हो बारी बरसी खटर गया सी खटके ले आंधी परात। बारी बरसी खटर गया सी खटके ले आंधी परात। भंगड़ा ता सजदा जे नचे सारी बरात। भंगड़ा ता सजदा नचे सारी बरात। भंगड़ा ता सजदा सर नीचे के दीवान जी पहचान मिले किधर टूर जो आप दोनों यहां बैठे जब तक मैं नहीं आता हूं लिए लगते धर्म पीर को चलिए। हेलो आई एम एलिस। भाई मैं कह रहा हूं कोई देख लेगा। चुप 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 मंगे पहचाना। हाँ हाँ पहचाना क्यों नहीं। कोई सेवा हो तो बताइए। हाँ जरूर। डरो मत माँ भी हमारे साथ है। आइए आइए राजा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना। पधारिए। कैसे हैं दीवान जी। नमस्कार। नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सब कुशल मंगल। कोई नहीं रे मंगे घूंघट टूटने से पहले पहले कागज उठा देगा नहीं तो सारे उठ जावेंगे। पहलवान भी अपनी जगह पे नहीं है। आप भी नहीं। हम शादी में आए। नहीं क्या नहीं कि वो वहां पे दीवान जी सामने आ गए। अच्छा अच्छा आप हाथ ना जोड़े आप राजा है। किस तरफ गए दीवान जी। महल के अंदर। अच्छा 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 आइए आप भी आइए आइए। किम साहब अब यहाँ खड़े होके दीवान जी पे नजर रखिए। मैं कुछ पे छोड़ के आता हूँ। आइए। प्रसन्न देहम आक्रम महिमा न्यास चत्र यत्र पूर्वे सांध्या संति देवा। विवाह की विधि आगे बढ़ाने के लिए राजकुमारी जी को बुलाया जाए। आप यहाँ रुको मैं चाबी की छाप लेके आता हूँ। मंगे बड़ा डर लग रहा है यार। मेरी दादी हमेशा एक बात कहती है कि जो अपने हक के लिए लड़ता है ना ऊपर वाला हमेशा उसके साथ होता है। डरने की क्या जरूरत है। आप बस चुप के बैठना कोई देख ना ले ठीक है। पिछले साल ही माना था जी राजा साहब अब तो महल की दीवार की शोभा बढ़ा रहा है। हाँ छाट तो हमने भी मारे हुए हैं। अच्छा जी ये तो चोर था जी पकड़ा गया बेचारा।
अच्छा जी, चुराया क्या था जी? कुछ भी नहीं, महल में घुसते ही पकड़ा गया, साथी भाग गए, ये बेचारा दबोच गया जी। कोई मजबूरी रही होगी? मजबूर तो मैं था जी, राजा साहब के हुक्म के आगे। कैसे? इसके चारों हाथ पैर नहीं काटता तो राजा साहब मेरी तनख्वाह से दो आने नहीं काट देते। अच्छा जी, मैं चल। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी चोरी होने। हकीम साहब, इतनी मुश्किल से तो आप माने थे, अब क्या हो गया? अरे जो महल में घुसने पे चोर के हाथ पांव कटवा देता है, हमने कागज उठाए तो हमारा पता नहीं क्या क्या कटवा देगा। मुझे अपनी गर्दन नहीं कटवानी, मैं जा रहा हूँ। हकीम साहब, इतिहास में आपका नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। तो ठीक है, लिख देना, लेकिन पहले तो दवाई है तो समझ ले। ये ले, ये सफेद वाली नशे की फाड़ा, और ये वाली बेहोशी वाली। मैं जा रहा हूं। सोच लो हकीम साहब, हीरे बेवकूफ पानी से। और मंगे बधाई फरानी मां, ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि राजकुमारी जी का कद हमेशा थोड़ा ऊंचा रहे और हाथ पैर हमेशा सुंदर कपड़ों से ढके रहे। राजकुमार जी, शेर के शिकार के लिए तो आपको फुर्सत से आना पड़ेगा। शादी निमट जाने दीजिए, जितने शेर कहेंगे उतने ढेर कर देंगे। आइए, अब आपको जलसा घर दिखाते हैं। पित्थ जंबो फल चारु भक्षणम उमा सुतम सो कविनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। Hello, my beautiful wife. अरे दीवान जी, अरे दीवान जी, सुबह से देख रहा हूँ आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कुछ खापी भी लो। अरे दीवान बनना आसान काम नहीं है मंगा जी। आपकी बात ठीक है, पर अपनी सेहत का ख्याल रखना भी तो चाहिए कि नहीं? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। आइए आइए आइए, बैठ के पीते। आइए आइए, ऐसा लग रहा है सारी शादी की जिम्मेदारी या तो आप पे या मुझ पे। भाई और कौन करेगा, हमें ही देखना है सब कुछ। बैठिए बैठिए, आराम से लाइए तलवार, मुझे दे दीजिए, यहाँ कौन सा डाकू घूम रहे। आराम से पीजिए। बड़ा मजेदार है, मैं तो एक और पीने वाला हूं। वचन के अनुसार शादी के इस पवित्र गठबंधन के उपरांत वर वधु के अतिरिक्त किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखेगा। Oh God, this Cinderella weddings are very time consuming. But it's really entertaining. Yeah. Yes? Also 60-40. What? 60-40? Yes, 60-40. You don't understand? Yeah, we understand. We understand. Yes, 60-40. But where is 50? 50? Where is 50? चार चाबियां? हाँ जी। पर तूने तो एक चाबी कहा था। उस दिन मैंने भी एक ही देखी थी, पर अब चार निकली। अच्छा, तुझे पता इन चारों में से तिजोरी की चाबी कौन सी है? नहीं, पर आप चार ही बना दो ना। ऐसा थोड़ा होता है, और चार चाबियां बनाने के लिए उतना सामान भी तो चाहिए। तो आप थोड़ा सा ज्यादा सामान ले आते।
तूने एक चाबी कहा था, मैं तीन चाबियों का सामान लेके आया। ये देख, तो आप एक काम करो ना, कोई से भी तीन बना दो, जल्दी करो। चल मान ले मैंने तीन चाबियां बना भी ली और तिजोरी की चाबी चौथी निकली तू तो अगर इन्हीं तीन चाबियों में से कोई एक चाबी तिजोरी को लग गई तो यार एक तो तू आशावादी बहुत है। हकीम कहाँ है? भाग गए। पहलवान भी चला गया। हम भी चले। आप बस ये चाबियां बना दो फिर आप भी चले जाना। तू हमारे गांव से इतना प्यार करता है यार। हाँ जी Oh, my God.
बहरा लेंगे। अब वर वधु पांचवा फेरा लेंगे। संपन्न करने के लिए अंतिम फेरा लेंगे। ओम गणानांत्वा गणपति गोम गवामहे प्रिया you
सर्वेंट नौकरी तो कब की छोड़ दी मैंने सही वक्त पे आए हो हाँ इस ब्रह्मपुरी ने तो कमाल कर दिया मैं बोलता था ना आपको लाल जी अंग्रेज के मुंह पे काहे फाड़े मैं कमाल का बंदा निकला जी आखिर दोस्त किसका है कोई हिंसा तो नहीं की ना नहीं जी हिंसा तो कोई नहीं की बस अपना हक लेने के लिए थोड़ी सी चलाकी की थी वे ये फिरंगी अभी तो इस गांव से भागे हैं
हमें तो पूरे देश से भगाना है इन फिरंगियों को। भारत माता की जय। 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 इस घटना की खबर जब इंग्लैंड पहुंची तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी छवि सुधारने के लिए मार्क डैनियल्स को इंग्लैंड वापस बुला लिया। मुझे लगा कि तुम नहीं आएगा। आता कैसे डैनियल साहब, अपनी वफादारी की कीमत जो लुटानी थी। आइए इंद्र जी, झुक जाइए। अंग्रेजी सरकार द्वारा कुछ और अंकुश लगाने के बाद भी राजा इंद्रवीर सिंह नहीं सुधरे। नकुल घोड़ा फिर से फंस गया, लेकिन इस बेचारे को थोड़ा नुकसान। नंदू सुधर जा, मैं तेरी टांगे तोड़ देनी। और राजकुमारी ने सरकारी सुरक्षा के तहत इंग्लैंड वापस जाकर आगे पढ़ने का फैसला लिया। God bless. मैडम जी, एक बात थी जी मन में। क्या? उस दिन आपको अपनी बंदूक पहलवान को नहीं देनी चाहिए थी। वो बैल बुद्धि अगर गोली चला देता तो मेरा तो काम हो गया था जी। मंगा, उसमें सिर्फ एक ही गोली थी और वो मैं चला चुकी थी। अच्छा जी। मैडम जी, आप भी कमाल ही हो। वो तो मैं हूँ। Bye bye. Take care of yourselves. Bye. Chale phir.